लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों के काम आए जो, दुश्मनों के रंग उड़ाए जो, उलझनों को सुलझाए जो, राजा रैंचो, राजा रैंचो, राजा रैंचो। देखिए तो इनके नए ढंग लाए जहां में नए रंग, मस्तियों में झूम के मंजिलों को चूम के चले जमाना इनके संग। मैंने खुद आपको हॉल से निकलते हुए देखा है और मैं ये भी जानता हूं कि आप अपने पल्लू में कुछ छुपा कर लाई थी। क्या मैं वो चीज देख सकता हूं? क्या हुआ मिस्टर राजा, क्या बात? मिस्टर राणा, आपकी हीरोइन पार्टी हॉल के अंदर गई थी और वहां से कोई चीज अपने पल्लू में छुपा कर यहां ले आई। मैंने पूछा तो साफ इनकार कर दिया। तो तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आए? दरअसल बात यह है मिस्टर राजा कि कुमकुम तलाशी के बाद हड़बड़ी में अपना पर्स हॉल में ही छोड़कर आ गई थी। वही लेने के लिए वो वहां पे गई थी। मैंने उसे रोका भी था लेकिन I'm sorry, मुझे नहीं पता था कि ये लोग मुझे देख लेंगे और गलत समझेंगे। अब अगर तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो मैं कूल डाउन मिस्टर राणा, प्लीज कूल डाउन। मिस कुमकुम, क्या मैं पर्स देख सकता हूँ? वो पर्स? Yes, why not? Thanks a lot. मगर मिस्टर राजा, आपको ये पता कैसे चला कि कुमकुम हॉल के अंदर गई थी? It's very simple, मिस्टर राणा। मैंने रेंचो की ड्यूटी हॉल के दरवाजे के बाहर लगा दी थी, उसी ने मुझे इन्फॉर्म किया। ओ रेंचो, वो बंदर? Excuse me, मिस्टर राणा। He is my friend. Okay? अब आप लोग आराम कीजिए, कल सुबह फिर से मुलाकात होगी। Good night and take care. Good night. तुम्हारी इस हरकत से कभी भी कुछ भी हो सकता है, समझे? I'm sorry राणा साहब, लेकिन मुझे क्या पता था वो बंदर? लेकिन वो हार उड़ाया किसने? क्या मालूम, मुझे तो लगता है इसी चक्कर में कोई और भी यहां पर आया हुआ है। खैर, वो हार तो मैं हासिल करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। यानी राणा की बिछाई हुई बिसात पर बाजी कोई और ले जाए, ये राणा को कतई बर्दाश्त नहीं है। आज नहीं तो कल वो हार मैं हासिल करके ही रहूंगा। जनाब, इस तरह चक्कर काटने से क्या होगा? अबे चक्कर नहीं काटूं तो क्या करूं? हमारे नाक के नीचे से हार चुरा के ले गया और हम ताली बजा दे रह गए। अब हुजूर, हमें क्या पता था कि कोई और भी उस हार के चक्कर में है? हम तो मौका ढूंढ रहे थे ना। अरे तेरे को तो मौका कभी मिलेगा ही नहीं। तू तो उस ब्लैकमेलर को मौका देगा मेरी बदनामी का और मेरे को फांसी पे चढ़वाने का, समझे? हेलो, मंत्री बोल रहा हूँ, कौन चाहिए तेरे को? काम हो गया। मैं वो ये बकरी की तरह कैमरे में आ रहे हो? हाँ या ना में जवाब दो, काम हुआ या नहीं? नहीं हुआ। तो हार चोरी नहीं हुआ? नहीं, हार चोरी हुआ है लेकिन किसने उड़ाया उसका पता नहीं। तो
तो इसका मतलब है कोई और भी पार्टी हार के चक्कर में है। देखो मैं तुम तीनों को एक मौका और देता हूँ, किसी भी तरह हार का पता लगाओ और मुझ तक पहुँचाओ, भले ही तुम्हें इसके लिए किसी का खून क्यों ना करना पड़े, समझे? हेलो 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 महेंद्र का फोन था ना? क्या कह रहा था? कह रहा था कि वो हार किसी तरह भी उस तक पहुंचाया जाए, चाहे किसी का खून करना पड़े। तुम्हें क्या लगता है किसने हार उड़ाया होगा? मुझे तो निकम्बल पर शक जाता है, देखा नहीं पार्टी में कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर उस हार की तरफ देख रहा था। शक तो मुझे भी उस पर है, मैं मौका देख के उसे चेक करूंगा। ये राणा भी एक नंबर का चालबाज है, मुझे लगता है शायद यह उसी की करामात हो। और फिर देखा जाए तो उस जज को चांदनी को साथ मिलाने की क्या जरूरत थी, जबकि वो इनवाइटेड भी नहीं थी। हाँ, मुझे तो लगता है उसी चक्कर में इसे ले आया होगा। अरे भाड़ में गई चांदनी क्या, अब हमें ये पता लगाना है कि वो हार किसके पास है। बस हमें सब कमरों की तलाशी लेनी होगी या सब पर नजर रखनी होगी, कोई संदिग्ध मिले तो उसे काबू में ले लेंगे और उससे सब उगलवा लेंगे। ये ठीक है, ये ठीक है। सागर। ये सर। हॉल के दरवाजे पर ताला लगवा दो। जी। और ध्यान रखो कि फार्म हाउस से बाहर कोई ना जाने पाए और बाहर से कोई अंदर ना आने पाए। जरा यहां संभालो, मैं रेंचो की पोजीशन देखता हूं। राइट सर। ओके सर। क्या बात? सर जज साहब और चांदनी के कमरे से बातचीत की आवाज आ रही है। एक मिनट, एक मिनट, जल्दी दो। मैंने पहले ही कहा था उस हार को उड़ाना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन जिसने भी उड़ाया है उसने कितनी आसानी से कर दिया सब, और एक तुम हो कि मैंने पहले से ही इस काम में तुम्हारा साथ देने से इनकार किया था, मगर तुम खुद कहती थी कि तुम खुद हार को उड़ा लोगी अगर मैं तुम्हें अपने साथ पार्टी में ले चलूं तो। पर मुझे क्या पता था उस पार्टी में सबके सब चोर इकट्ठा हो रहे होंगे। तुम सबको अपने जैसी समझ रही हो, वे सब शरीफ लोग हैं। जी हाँ, जैसे शरीफ आप वैसे। देखो तुम अब हद से बढ़ती जा रही हो, कहीं ऐसा ना हो मुझे कुछ गलत कदम उठाना पड़े। जस्टिस रघुनाथ, अब तक तुमने मेरा प्यार देखा है, अगर मैं अपने आई पर उतर आई ना तो सारी दुनिया तुम पर थू थू करती फिरेगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। तुम कुछ भी समझो, उस हार को पाना मेरी जरूरत है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। माय गॉड, इनमें से हर कोई हार के पीछे पड़ा है। लेकिन सर इनकी बातों से तो नहीं लगता कि हार इनके पास है। और ये तो सारे के सारे खुद ही हार के पीछे पड़े हुए हैं। अमा सागर मियां, चोर कभी खुद को चोर कहता है, हो सकता है इनमें से कोई झूठ बोल रहा हो। लेकिन सर उसका पता कैसे चलेगा? यू डोंट वरी अबाउट इट। तुम एक काम करो जी, तुम जरा रेंचो को यहां भेज दो। ओके? यस सर। अरे सागर तुम आओ। साहब तुम इतना घबराए हो क्यों? सर वो निकमल जी। हाँ निकमल जी को क्या हुआ? सर निकमल जी अपने कमरे में नहीं है। अरे तो सागर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? कमरे में नहीं है तो बाहर लॉन में होंगे। सर परेशान होने की बात ये नहीं है कि वो कमरे में नहीं है, बल्कि उनके कमरे की हालत बहुत ही खराब है, और सर बिस्तर पर खून ही खून फैला हुआ है। क्या? यस सर। चलो मेरे साथ, कम ऑन फास्ट। यस सर। आओ
कम सागर फास्ट। जी सर। बिना देखे जाने में कुछ भी नहीं कह सकता साहब। तुम्हें ये सब कैसे पता चला सागर? सर मैं निकमल जी को नाश्ते के लिए बुलाने आया था। काफी खटखटाने पर भी जब ये दरवाजा नहीं खुला तो मैंने दरवाजे को धक्का दिया। सर दरवाजा खुलता चला गया और कमरे की ये हालत देखने के बाद मैंने सोचा कि आपको इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। बाकी सब लोग इस वक्त कहाँ हैं? सर वो डाइनिंग हॉल में नाश्ता कर रहे हैं। ओके सागर डू वन थिंग। यस सर। तुम भी डाइनिंग हॉल में पहुंच जाओ। जी मैं भी रेंचो को लेकर वहां आ रहा हूँ। और हाँ याद रखना रूम को लॉक करना मत भूलना। राइट सर। ओके। क्यों जासूस प्यारे कहाँ तक पहुंचे? सुबह सुबह क्यों बुला लिया हमें? हाँ भाई पता चला कुछ हार या चोर का? कहिए राजभर में क्या कुछ पता किया? इतनी जल्दी भी क्या है साहिबान, अभी वक्त है मेरे पास। यानी अभी तक नतीजा कुछ नहीं? क्या बात है जज साहब, जब तक मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं हो जाता मैं कुछ नहीं कहूंगा। इसका मतलब ऐसा कुछ है जिसका जिक्र आप अभी नहीं करना चाहते? मैं तो कहता हूं यह हमें बहकाना चाहता है, यह काम इस जासूस के बस का नहीं है। अरे इतने वक्त तक कुछ नहीं कर सका तो अब क्या करेगा? देखिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं बता देता हूं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप में से कौन कौन लोग यहां हार चुराने के लिए आए हैं। घबराइए मत, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन सिर्फ इतना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग मुझे सहयोग देते रहें, दैट्स ऑल प्लीज। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज फॉर सम टाइम। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर सागर फॉर द इंफॉर्मेशन। पर आप मुझे ये बताइए कि ये हुआ कब? आई डोंट नो सर, मैं तो आप ही की तरफ आ रहा था कि मेरी नजर इस पर पड़ी। ताले की हालत देखकर लग रहा है कि इसे जरूर किसी ने रात में तोड़ा होगा, क्योंकि दिन के वक्त इनमें से किसी में भी ऐसे हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कारनामा करके दिखा सके। एनी वेल चेक इट अगेन। अरे ये खून के धब्बे, इसका मतलब यह है कि जिसने भी ताला तोड़ा होगा या तो वो जख्मी होगा या फिर ताला तोड़ने की कोशिश में वो जख्मी हो गया। व्हाट डू यू थिंक? सर उसने इसे तोड़ा क्यों? वेल आई थिंक मिस्टर सागर के उसने सबकी नजर बचाकर अंदर से कुछ निकालने के लिए ताला तोड़ा होगा, मुझे ऐसा लगता है। ओह माय गॉड राजा, ये क्या हो गया? भानुमति जी, किसी ने आपके हॉल के दरवाजे का ताला और कुंडा दोनों ही तोड़ दिया, ये देखिए। ओह गॉड सागर, कुछ चोरी तो नहीं हुआ अंदर से? नो मैडम, मैंने सब देख लिया, एवरीथिंग इज ऑल राइट। फिर भी मैं भी देख लेती हूँ। प्लीज कम। थैंक गॉड अंदर से तो कुछ नहीं गया। मिस्टर राजा ये सब अचानक मेरे घर में क्या हो रहा है, ये कौन कर रहा है? भानुमति जी इस वक्त आपके इज्जतदार मेहमान ही यहाँ मौजूद है, आप उन्हीं से पूछिए। भूल रहे हो मिस्टर जासूस कि एक मेहमान सुबह से हमारे बीच में नहीं है। जी मैं जानता हूं कमिश्नर साहब के मिस्टर निक्कमल गायब हैं और मैं उनके गायब होने का कारण ढूंढ रहा हूं। अरे तुम्हें क्या मालूम, वो सुनारी हार लेके चला गया। तो फिर हम सबको यहां रोके रखने का क्या फायदा? यकीन जानिए हार के गायब होने और मिस्टर निक्कमल के गायब होने के बीच किसी बात का कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि जिसने भी हार चुराया होगा वो यहां से कभी नहीं जाएगा। अगर वो यहां से गया तो बिला वजह ही शक के दायरे में आ जाएगा। हार अब भी यही है और हम में से ही किसी के पास मौजूद है। तो हमें कब तक यूं ही तलवार के साए में रहना होगा? मिस चांदनी थोड़ा इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा होता है। और यकीन जानिए कि आपको तो मैं हार के दर्शन कराए बगैर यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। खैर आप सब लोग जाके अपने कमरों में आराम कीजिए, रात को हम सब लोग फिर से यहीं जमा होंगे। तब तक मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालात का जवाब भी ढूंढूं। देखो एक काम करो, मसला बहुत गंभीर है, तुम मेरी बात सुनने की कोशिश करो।
फार्म हाउस के पिछले हिस्से में जाकर पहरेदारी करनी है तुमने, समझ गए? कोई परेशानी हो तो मुझे यहाँ ये मैसेज दे देना इधर, ओके? सागर, यस सर, तुम कमरे में रहो जी। मैं फार्म हाउस के अगले हिस्से और हॉल पर नजर रखता हूँ, होशियार रहना, ओके? हाँ सागर, कोई प्रोग्रेस? सर फिलहाल तो कुछ नहीं। सागर होशियार रहना, बी मोर अटेंटिव जी। मुझे लगता है कि अब उठा पटक शुरू होने वाली है, क्योंकि इनमें से हर कोई किसी ना किसी तरीके से हार हासिल कर लेना चाहता है, और शाम के बाद इन्हें मौका मिलने वाला नहीं है। ये सर। अरे रेंचो का सिग्नल, चेक किया। Come, Rancho. Come on, fast. Come on, come on. रेडी रंचो। कम ऑन रंचो। जय साहब। ये क्या हुआ चांदनी को मिस्टर राजा? कुछ नहीं, ये बेहोश हो गई। बेहोश? जी हाँ, मुझे लगता है किसी ने किसी भारी चीज से इनके सर पर वार किया है। देख लीजिए, कुछ सामान वगैरह तो गायब नहीं। इसके पास तो एक पर्स के सिवा और कुछ नहीं था। यहाँ दिखाई नहीं दिया। जी हाँ, पर्स तो मुझे वहाँ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आप इनका ध्यान रखिए, पर्स में ढूंढ देता हूँ। ओके, प्लीज टेक केयर। थैंक यू, थैंक यू। आओ रेंचो, आओ जासूस भाई, आओ। क्या खबर लाए? खबर तो बहुत गर्मा गर्म है मंत्री जी। चांदनी के सर पे किसी ने वार कर दिया और उसका पर्स गायब है। ये सब किया किसने? ये तो अभी नहीं पता चल सका कमिश्नर साहब, लेकिन फिलहाल मैं आपके कमरे की तलाशी लेने आया हूँ। क्यों, हम कोई उठाई गिरे हैं? जब बंद किया कमरे की तलाशी लेने चले आए? मंत्री जी, आप क्या हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बेहतर यही होगा कि आप मुझे सहयोग दें, वरना। मेरे भाई राजा साहब, आप खमखा नाराज क्यों होते हैं? आपको कमरे की तलाशी लेनी है ना, शौक से ले लीजिए ना। थैंक यू वेरी मच रंजन, प्लीज। साहिबान, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या है और यहाँ कैसे आया? पर ये पर्स है किसका? ये पर्स चांदनी का है, और इसी पर्स की वजह से उस पर वार हुआ था, या फिर इसमें रखी हुई चीजों की वजह से? माय गॉड, ये पर्स तो सब खाली है। मंत्री जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस पर्स की चीज या चीजें कहाँ आए? अरे तुम इस पर्स की चीज या चीजें पूछ रहे हो, मुझे ये भी नहीं मालूम कि ये पर्स यहां आया कैसे। Anyway, आप मुझे इतना तो बता ही सकते हैं कि आप लोगों के अलावा यहां कोई और भी आया था? हाँ, वो क्या नाम उसका, कुमकुम, कुमकुम आई थी अपने केस के बारे में। कुमकुम? हाँ, कुमकुम। थैंक यू वेरी मच रंचो, कम। थैंक यू। पर तुम्हें जरूरत क्या थी ये सब करने की? लेकिन मैंने तुम्हें बाहर जाने से रोका था। मुझे तकलीफ के लिए माफी चाहूंगा राणा साहब, प्लीज बैठिए, मुझे आपके कमरे की तलाशी लेनी। तलाशी? थैंक यू वेरी मच राणा साहब। लेकिन बार बार कब तक तलाशी लेते रहेंगे आप?
जब तक मुझे वो हार नहीं मिल जाता मिस कुमकुम। एक्सक्यूज मी प्लीज। आपने हार का पता चला ही लिया। नहीं सागर, ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। सॉल्व नहीं हुआ? लेकिन राजा साहब, हार का पता तो चल गया है। सागर, जिस हार का पता चला है उससे जाहिर होता है कि हमारे तमाम मेहमानों में से किसी के पास भी वो हार नहीं है। तो फिर वो हार नकली? नकली हार कहां से आया? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा सागर, फिलहाल मेरे साथ पार्टी हॉल में चलो। चलिए सर। कम सागर। यस सर। कम डाउन चो, कम डाउन। गुड बॉय। दोस्त। यस सर। मामला और भी उलझता जा रहा है। अपनी तमाम कोशिशों के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं उससे यह साफ जाहिर होता है कि हार उनमें से किसी मेहमान के पास नहीं है और ना ही इस फार्म हाउस से कहीं बाहर गया है। सर, तो फिर हार गया कहां? यही प्रश्न तो हल करना है मिस्टर सागर। एनीवे, हमें काम शुरू कर देना चाहिए। यस सर। ओके। अगर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप खुद बखुद समझ जाएंगे। फिलहाल आप एक काम कीजिए, सारे मेहमानों को जाकर कह दीजिए कि शाम को इसी पार्टी हॉल में इकट्ठा हूं। मैं उन्हें एक तमाशा दिखाऊंगा जिसे देखकर उनका तो मनोरंजन होगा और चोर का। यस सर। सर अभी इन्फॉर्म कर। वेरी गुड। और सुनो, माहौल बिल्कुल कल रात जैसा होना चाहिए। ओके।
यस रेंचो, रेंचो माय डियर फ्रेंड, तुम्हें सलाम है। तुमने तो यार कमाल ही कर दिया। जो चीज मुझे इतने टाइम से परेशान कर रही थी, उस प्रॉब्लम को तुमने चुटकियों में सुलझा दिया। हैट्स ऑफ टू यू माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर पार्टनर। अब चलो जरा आगे की कार्रवाई करें। कम रिलैक्स। कम। अरे ये कौन आ रहा है? निकमल, अरे तुम कहां चले गए थे? ये मैं आप लोगों को बताता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जानता हूं इस वक्त आपके दिलो दिमाग में बहुत सारे सवालात उभर रहे हैं। उन सवालात का जवाब देने के लिए ही मैंने आप लोगों को यहां बुलाया है। तो क्या हार का पता चल गया मिस्टर राजा? जी नहीं भानुमति जी, और वैसे भी इतनी जल्दी क्या है, पर फिर भी अगर आपने पूछ लिया है तो मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ हार और चोर का, बल्कि मैंने ये भी जान लिया है कि वो हार कल रात कैसे गायब किया गया था। अरे यार जल्दी से बता यार, इतना सस्पेंस क्यों खड़ा कर रहा है? मंत्री जी, उससे पहले मैं आप सब लोगों को कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगा जिनके बारे में आप लोगों को कुछ भी नहीं पता। दरअसल मैं शुरू करता हूं उस दिन से जिस दिन इस पार्टी में आने के लिए निमंत्रण मुझे मिला। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मुझे इस तरह की पार्टीज में शरीक होने का कोई भी शौक नहीं। ये बात वो शख्स भी जानता था जिसने उस दिन पत्थर में एक कागज का टुकड़ा लपेट कर मेरे घर में फेंका। दरअसल वो कागज का टुकड़ा नहीं था बल्कि एक खत था जिसमें मुझे पार्टी में शरीक ना होने के लिए सख्त ताकीद की गई थी। पत्थर, कागज? जी हाँ, लेकिन मैं समझ गया कि वो चाहता है कि मैं पार्टी में हर हाल में शरीक हूँ। क्या आप जानते हैं कि वो पत्थर किसने फेंका था? फिलहाल ये जानना जरूरी नहीं कि वो कागज किसने फेंका था, क्योंकि कागज फेंकने वाले की मंशा गलत नहीं थी। एनीवे, अपराधी को पहला झटका तो मुझे पार्टी में देखकर ही लग गया। फिर भी लगता है कि उसे अपनी स्कीम पर पूरा पूरा भरोसा था, इसलिए उसने चंद लम्हों के अंदर ही वो हार गायब कर दी। लेकिन वो स्कीम क्या थी? ये जानना जरूरी नहीं कि स्कीम क्या थी, क्योंकि अगर मैंने स्कीम के बारे में बता दिया तो अपराधी का नाम फाश हो जाएगा, और अपराधी का नाम ना बताने की ताकीद मुझे शुरू में ही कर दी गई थी। क्यों व्यर्थ में फेंक रहे हो मिस्टर डिटेक्टिव? हो सकता है तुम्हें हार का पता चल गया है, लेकिन खामखा बड़ाई मारने की क्या जरूरत है? कमिश्नर साहब, मुझे खामखा अपनी बड़ाई करने का कोई शौक नहीं। फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं हार फिर से गायब करके दिखा देता हूं, तब तो आप लोगों को मेरी बात की सच्चाई पर यकीन हो जाएगा। इसमें इतना चौंकने की कोई जरूरत नहीं साहिबान, दरअसल यह हार नकली है। हाँ, लेकिन हू बहू असली हार जैसा। आपका मतलब है भानुमति ने कल नकली हार पहन रखा था? जी नहीं जैसा, भानुमति जी ने एकदम असली हार पहना, और जिस हार की मिली वो भी असली। अगर वो हार असली ना होता तो निकता मंजू को मेरे से कैसे बच पाता? राजा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन रानी जी ने जो हार पहन रखा था वो बिल्कुल असली। इन्हें मैंने गायब किया। जी हाँ मैंने, क्योंकि भानुमति जी की पार्टी में आए तमाम मेहमानों की नजर उस हार पर थी, किसी की लालचवश और किसी की मजबूरीवश, यानी कि कोई लालच से या कोई मजबूरी से उस हार को हथिया लेना चाहता था। मिस्टर राजा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे सब दोस्त पार्टी में चोरी की रात से आए थे? जी नहीं भानुमति जी, दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि उधर आपको कैसे पता चला? कई बार मामले की तह तक पहुँचने के लिए हमें कुछ ऐसी बात करनी पड़ती है। मैं माफी चाहता हूँ कि आप लोगों में से चोर को पकड़ने के लिए मैंने आप लोगों के कमरों में चोरी चोरी माइक्रोफोन फिट कर दिया, और आप लोगों के बीच होने वाली बात को अपने पास रिकॉर्ड करके रख लिया। खैर आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि कुछ देर बाद मैं उन रिकॉर्डिंग्स को नष्ट कर देने वाला हूँ। पर आपने अब तक ये नहीं बताया कि मिस्टर निकमल कहाँ गायब हो गए थे। दरअसल वारदात वाली रात जब आप सब लोग अपने कमरों में आराम कर रहे थे,
तो मैं भी आराम करने के नियत से लेटा हुआ, तभी मैंने एक आवाज सुनी और मैं दबे पांव अपने कमरे से बाहर आया, उस ओर बढ़ा। मैंने देखा कि निक्कामल जी किसी तेज औजार से हॉल के दरवाजे के ताले को काटने की कोशिश कर रहा है। ताला काटते काटते वो औजार अचानक उनके हाथ में लग गया, हाथ से खून बहने लगा। अपने खून को देखकर वो डर गया और वहां से भाग गया। उसके बाद मैंने उनका पीछा किया और कमल जी के मैं आप पर चोरी का इल्जाम भी लगा सकता हूँ। अरे नहीं सर, मैंने चोरी नहीं की। अरे भाई जी क्या कर रहे हो, राजा साहब मेरे पर मेहरबानी करो, मैं चोरी को नहीं की, मैं तो वो हार ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो रानी साहबारी खातिर। अच्छा, इसका मतलब आपको पूरा यकीन था कि हार हॉल में ही है। ये बात रो अंदाजो तो कोई अंधो भी लगा सके तो कैसे। अब देखो नहीं, जब तलाशी में हार कोई कने को नहीं मिले हो तो हार तो वो हाल में होना चाहिए नहीं। इसका मतलब है कि आप भी वहां हार चुराने की नियत से ही गए थे। नियत? अरे भाई जी, मैं तो पूरी तैयारी के साथ गया। तो तैयारी? कैसी तैयारी? मतलब एक पुरानी किताब में देख के मैं वो हार रही वो नकल तैयार की थी। यह देखो, ताकि मौको मिलते ही मैं ई हार ने असली हार के साथ बदल दे। तो भाई जी, जरा 10 करोड़ का मामला तो ना। 10 करोड़? कौन देता तुम्हें 10 करोड़? कि वही जो मेरे साथ टेलीफोन पे ई हार के वास्ते 10 करोड़ों सौदा क्यों तो सी। अच्छा निकमल जी, आप एक काम कीजिए, बोलो ये चना खाइए और जैसा मैं आपको कहता हूँ आप आइए मेरे साथ। चलिए आइए। कि इस नकली हार के बदले मैं असली हार और चोर तक पहुंच जाऊं। निक्कामल जी को मैंने सागर के कमरे में पहुंचा दिया और सागर को अपने विषय में शामिल कर लिया। सागर बेचारा डर गया था, उसे ऐसा लगा कि निक्कामल जी का किसी ने मर्डर कर दिया है और लाश को गायब कर दिया है। खून का थप्पा चादर पर देखकर सागर और भी बौखला गया था। उसके बाद मैंने चांदनी को फोन किया, आवाज बदल गई और हार निक्कामल जी के कमरे में इस तरह से लग दिया कि जो भी अंदर आए उसे हार सामने दिखाई दे। प्लान के मुताबिक मैंने चांदनी को फोन किया। चांदनी निक्कामल जी के कमरे में पहुंची, हार सामने देखकर वो खुद को रोक न सकी और लालचवश हार उठाकर वहां से भाग निकली। उसके फौरन बाद मैंने कुमकुम को भी फोन किया और जैसे ही चांदनी हार उठा रही थी कुमकुम ने उसे देख लिया।
हमारी भागदौड़ से तुम्हें क्या फायदा हुआ? फायदा तो बहुत हुआ कमिश्नर साहब। इससे मुझे इस बात का यकीन हो गया कि हार चोर ने अपने पास ना रखकर यही कहीं छुपा लिया। यानी इसे कहते हैं एक तीर से दो दो शिकार। हाँ, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो असली हार है कहाँ? आइए मैं आपको उस तरफ ले चलूं। दोस्तों, आज भी यह हार उसी तरह से गायब हो जाएगा जिस तरह से कल गायब किया गया था। हालांकि मैं जानता हूं कि इस हार को कैसे गायब किया गया था, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इस तरीके को या तो मैं जानता हूं या वो चोर जिसने हार गायब किया था। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी पहली वाली पोजीशन पर आ जाएं, जिससे कि माहौल कल रात की पार्टी जैसा हो जाए। सागर, प्लीज एवरीबॉडी। सागर, लाइट्स ऑफ। कल रात भी इसी तरह अंधेरे का फायदा उठाकर किसी ने हमें बेवकूफ बनाया था। उस चोर ने बहुत ही खूबसूरती से भानुमती के गले से हार उतारा और यहीं किसी गुप्त जगह पर छुपा दिया। अब मैं तीन तक गिनूंगा, उसके बाद लाइट्स ऑन होंगे। अगर ये हार यहां से गायब नहीं हुआ तो मैं आपको हार गायब करके बताऊंगा, और वो नजारा चोर के लिए बड़ा ही शर्मनाक होगा। एक, दो, तीन। अरे गायब। ठीक इसी तरह से कल भी यहां से हार गायब हुआ। हार आएगा? आप फिक्र क्यों करते हैं कमिश्नर साहब, हार यही है, इसी हॉल में अभी हाजिर हुआ जाता है। अरे भाई जी, जो आप सब कुछ जानो तो हार निकाल के धर दो ना सबके सामने। अरे सेठ जी, अगर ये इतना ही आसानी से करना होता तो मैं पहले ही कर चुका होता, लेकिन आप ही लोगों ने कहा था कि हार चुराने वाले का नाम ना बताया जाए, वरना सब लोगों के सामने उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। और वैसे भी अगर मैं हार पहले ही यहाँ लाकर रख देता तो कमिश्नर साहब कहते कि हार मैंने ही चुराया और अब फंसने के डर से मैंने उसे यहाँ रख दिया। यार जल्दी से उस हार के दर्शन करवाओ, बहुत टाइम हो गया, देखें और चले जाएं घर अपने। इतनी जल्दी भी क्या है मंत्री जी, थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ी देर के लिए मैं फिर से कहूंगा सागर से कि वो लाइट्स ऑफ करें। सागर, लाइट्स ऑफ। और ये ताकीद है चोर के लिए कि वो उस हार को फिर से इस डायस पर पहुंचा दे, वरना सागर, लाइट्स ऑन। देखिए तो जरा सेठ जी, यह हार असली है ना? आपका हार आप अपने हाथ में लेकर दे 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 दे। जी एकदम खरो, एकदम चुको है। ये लीजिए भानुमती जी, आपका हार आपके पास सही सलामत। ये क्या चीज है भाई? मिस्टर राजा, अरे भाई तो मेरे लिए है। कमिश्नर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जरा सब लोगों को पढ़कर सुनाएं, ये क्या है और किसके बारे में। मिस्टर राजा, भाई मान गए, वाकई अपने फन में उस्ताद हो। हमारी मजबूरी है कि इस वक्त 1,00,000 रुपया कैश हमारी जेब में नहीं है, चेक हम तुम्हें दे नहीं सकते, मगर चिंता ना करो, कल शाम तक तुम्हें तुम्हारा 1,00,000 रुपया पहुंच दिया जाएगा। तुम्हारा शुभचिंतक। थैंक यू वेरी मच शुभचिंतक जी। एनीवे दोस्तों, इतनी उलझी हुई समस्या को सुलझाने में जो सहयोग आपने मुझे दिया और जो परेशानियां आपने कल शाम से भुगती, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। थैंक यू वेरी मच। और मेरी वजह से जो आप लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, उसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। आप तो अपने जा सकते हैं। Excuse me. Yeah? मिस्टर राजा, मेरा हार ढूंढने के लिए ये छोटा सा नजराना मेरी तरफ से, 1,00,000 रुपए का चेक।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। हालांकि आपके लिए नई चीज नहीं थी, लेकिन हमारे लिए बहुत खास मौका था। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने साथ काम करने का मौका दिया। वेल नो प्रॉब्लम मिस्टर सागर। कम रंजन, कम ऑन। सर आपने ये प्रनोट क्यों फाड़ दिया? अभी भी नहीं समझे सागर? क्या सर? अरे भाई जब प्रोनोट की रकम मुझे अभी मिल गई तो उस प्रोनोट की जरूरत ही क्या रही? वो पैसा तो आपको मैडम ने गुड लक।